उट टूडेडोर मध्य प्रदेश कर्नाटका है साउथ में तो है पक्का इतना तो पक्का है कि साउथ में होगा नॉर्थ में तो नहीं है भैया नॉर्थ में गंगा यमुना सरस्वती वो ये सब है नॉर्थ में तो नहीं है पक्का ओके okay. आपने से महाराष्ट्र से कौन कौन है यू आर फ्रॉम बॉम्बे यू आर फ्रॉम बॉम्बे ओके जो लोग महाराष्ट्र से हैं मुंबई से आई मेनली वॉन्ट द मुंबई का पीपल गोदावरी रिवर ओरिजिनेट हंड्रेड माइल अवे फ्रॉम मुंबई मुंबई के पास से निकल के जाती है और पब्लिक को साला पता ही नहीं नासिक से निकल के जाती है भैया पब्लिक को मालूम ही नहीं है ठीक है एग्जामिनर ढूंढता है सब बिटिस हो गया एमएचआरडी प्रोग्राम में लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि साले तुम्हें अपने स्टेट के बारे में नहीं पता बाहर तो दूर के नासिक का कुंभ मेला इज हैपनिंग ऑन दिस यार नासिक का कुंभ मेला इज बेस्ड ऑन कुजावी रिवर ओनली ठीक है पब्लिक बॉडी कर्नाटक मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश अपना ही स्टेट है भैया ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस के 30 टेंशन खत्म यू विल रिमेंबर ऑल दिस थिंग योर लाइफ इफ आई गो थ्रू द मैपाइन कौन सी रिवर कहां से निकल रही है कितनी रिवर इंडिया में है दस रिवर मेन रिवर टेन होगा ट्वेंटी होगा मेन रिवर ओके okay. यार आप बताओ यार टेबल करना के डायग्राम देखना है फोटो देखना के टेबल आई कैन यू द टेबल इतनी सारी करनी नहीं यार टॉप टेन के नाम याद कर लो बस फोटो करना ज्यादा इजी है अपनी स्टेट की रिवर तो मालूम कर लो भाई अपनी स्टेट की तो कर ले बाकी छोड़ दे जान दे अपनी स्टेट की तो रिवर याद कर ले आ जाओ बेटा अभी आगे आज टू फेब का क्वेश्चन तेलंगाना बेस्ड डैश है बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2020 ट्वेंटी विच आर द फॉलोइंग पर्सन इज फेमिना मिस इंडिया अब इसमें कभी भाई भाई ने नाम पढ़ा तब ना भाई तो फोटो देखता रह गया वहां पर सर फोटो मैंने सबकी देखी है नाम मैंने देखा नीचे सुमन सुमन जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे सुमन वॉज लास्ट इमन वॉज टू थाउजेंड नाइनटीन की विनर सुमन इज दैट्स हाँ गुड वन तेलंगाना दिखा राव पब्लिक ने माफ किया राव गलत आंसर इज ए मनासा वाराणसी पब्लिक वही ध्यान ही फोटो पे था फिर हमने कभी पढ़ा ही नहीं

मुनासा वनसी है कॉन्टेस्ट शी वॉज क्राउंड बाई लास्ट इिन सुमन रतन रावे हाँ ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है यार सीईओ कौन बना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है न्यू सीईओ एग्जैक्टली एग्जाम में फोटो नहीं आएगा भैया एग्जाम में याद ही करना पड़ेगा हाँ जी आर एस शर्मा रमा मोहन राव एनडी जेसी के मार्क देखो भैया चीफ एग्जीक्यूटिव किसका है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तो एंडी अंकल को तो हम इनवाइट नहीं करेंगे मार्क अंकल के भी आंसर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में मार्क अंकल क्या कर लेंगे आंसर यहां तो ए आएगा या तो बी आएगा

मैंने आज ही वो लग बा मैंने आज ही देखा है <laughs> मैंने भी आज ही देखा वो लग ओके okay. सबको पता है कि अमेजन अंकल ने रिटायरमेंट ले लिया या ऑल ऑफ अस नो कि क्या नाम था यार वो जे, जेफ जेफ अंकल ने रिटायरमेंट ले लिया उसकी जगह पे कौन आया पब्लिक को पता ही नहीं हमने ध्यान नहीं दिया ठीक है जेफ मैं जेफ सॉरी दो को बेजोस ने दोन कर दिया लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया उसके जगह पे कौन आया

थ कोविंद बोलता हूं अब पता नहीं हमारे कोसन आई हर्ड हेयर इज करियप्पा ओनली पर्सन आई हर्ड हेयर इज करियप्पा रावत अच्छा करंट चलो अच्छा बेटा जी ये बता दो करंट करंट आर्मी चीफ कौन है भैया <laughs> रावत, रावत इज एक्स <laughs> पब्लिक के को के जीके की माँ बहने हम लोग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आंसर बी जबकि आंसर बी इज द करंट आर्मी चीफ पब्लिक उसको मार मूर के उसका म्यूजियम खड़ा कर दिया पब्लिक ने बिपिन रावत इज एक्स नाउके एक्स आर्मी चीफ है अभी भी है बिपिन रावत अभी भी है लेकिन एक्स आर्मी चीफ इज बिपिन रावत एक्स आर्मी अभी इज मनोज ओके द प्रेजिडेंट कोविंद 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 सॉरी यार चीफ जनरल कोडानेरा Fine. अभी का जो है वो है मनोज पीवीएसएम एवीएसएम एसएम रे क्या वी मेडल मिले यार सिंस दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन दो साल होने को आ गया भाई तुम लोगों को सलाह यही नहीं पता वेरी बैड योर जीके इज वेरी बैड सो वी कैन डू इज स्टडी जीके नाउ एवरी वीक थोड़ा थोड़ा एंड एग्जाम के दो दिन पहले वी आर गोइंग टू रिवाइज बुक ऑफ इनकरेजमेंट वॉज रिटर्न बाई होम सर मेरी नई बुक आई थी मैंने भी पढ़ा था कि ये बुक किसी तो लिखी है ऑप्शन देखो प्रियंका चोपड़ा बुक क्यों लिखने बैठेगी प्रियंका दीदी बुक क्यों लिखेगी यारा प्रेजिडेंट ही संभाल लेकिन अखबार लिखे सॉरी बुक लिखे हमिद अंसारी कौन सा मालूम है वाइस प्रेसिडेंट था वो क्यों लिखेगा बुक वो हो सकता है क्योंकि अभी खत्म हो गया तो चलो वेले बैठे थे लिख दिए बुक बाय द वे ऑल दीज फोर पीपल हैव रिटन द बुक ऑल फोर पीपल हैव रिटन द बुक आंसर इज दलाई लामा बट ऑल फोर ऑफ देम हैव रिटन द बुक दलाई लामा हैव रिटन द बुक द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट यूएस प्रेसिडेंट जो बिदिन के बेटे ने लिखी है बुक डैडी के ऊपर सेम बुक नहीं रे बाबा अलग अलग बुक मरवाओगे तुम लोग यार चारों बैठ के सेम बुक क्यों लिखेंगे तो इनको देना मेरा मेरे चप्पल मेरी चप्पल हैप्पी इंसिडेंट हमीद अंसारी एंड प्रियंका चोपड़ा द बुक एज वेल अनफिनिश मेमो हाँ अब यहां पे आके तुक्का रॉन्ग हो सकता है कि अरे प्रियंका चोपड़ा की किताब क्यों लिखेगी यार ये प्रेसिडेंट क्यों लिखेगा वो यहां से निकला हु निकलाज दलाई लामा ओके okay, बेटा गूगल कर ले यार गूगल कर ले और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये तो पब्लिक करेगा करेगा ही इम्पॉसिबल इसका आंसर राइट निकाल दो इंडिया द नेवल डब एज सिक्योरिटी बेल्ट विच किड ऑफ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन इंडियन ओशन का ये अगर इंडिया का साउथ इंडिया है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन मतलब ऑलमोस्ट हेयर इंडियन ओशन के नॉर्थ में किसके साथ नहीं कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा कौन पार्टिसिपेट नहीं करें तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है एंड ओनली राइट उसमें ईरान भी था उसमें रशिया भी है उसमें चाइना भी है यूएई नहीं है यू ए लाइक गजबी यार मैं सलाह तुम्हारे साथ मेरे पास आके तुम ये कर रहे हो और सला को इन्वाइट नहीं किया तुम लोगों ने चाइना को इन्वाइट कर लिया इमेजिन इंडिया इज ओके आंसर यूए ये देखो भाई चाइना के साथ उन्होंने कर लिया लेकिन गजब उनके लिए सीरियसली राइट सो ये सारी चीजें आपको करनी है ट्रस्ट गाइस दिस इज स्कोरिंग जीके इज वेरी वेरी स्कोरिंग जीके में कुछ कैलकुलेट नहीं करना है मैथ्स में एवरी क्वेश्चन टू कैलकुलेट इन मैथ्स एवरी क्वेश्चन टू कैलकुलेट चाहे वो ईजी भी हो जीके में यहां तो आता है तो नहीं आता यू कैट कैलकुलेट लाइक नंबर ऑफ डैम्स इन इंडिया दो मेरे घर के आगे दो मेरे घर के पीछे वी नोट डो नीड टू कैलकुलेट जैन फेब मार्च ये तीन महीने का आपको खत्म करना है जी के